बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबईन नबवी हदीस नंबर 10। अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال الله تعالى يا ايها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الوجه। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला तोय्यिबुन, कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तोय्यिब है। तोय्यिब का मतलब है पाक, पाक है। एक तो जो हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, तो वो पाक होने का ऐलान और अल्लाह की पाकी का ऐलान क्या होता है कि अल्लाह किसी कमी से किसी कोताही से किसी बशरी तकाज़ों के ऊपर शॉर्ट फॉल से, जैसे लाता खजू से ना तो वाला नाम कि अल्लाह को नींद, अल्लाह को ऊँग नहीं सताती, अल्लाह शिर्क से पाक है, अल्लाह सुभाना ताला इस बात से पाक है कि उसको हेल्पर्स चाहिए, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना, तो इन चीज़ों से जो ह्यूमन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है और इन चीज़ों से बुलंद है। और वैसे ही अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हर गंदगी से, नजासत से, हर गलासत से अल्लाह सुभान तआला पाक है। जब वो खुद पाक है तो वो किसको पसंद करता है? यहाँ पे हदीस नहीं है लेकिन एक और हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह पाक है और पाक ही चीज़ को पसंद करता है। अल्लाह तोय्यब है और अल्लाह युहिब्बुल्लाह, अल्लाह पसंद और मोहब्बत करता है तोय्यब से। जैसे सूरह बकरा में भी आता है ना इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह को पाक साफ रहने वाले पसंद है। और तौबा करने वाले भी पाक कैसे होते हैं? तौबा करने वाले अपने आमाल नामों को गुनाहों से पाक कर लेते हैं। तो बेसिकली अल्लाह सुभाना ताला को खुद पाक है और अल्लाह को पसंद भी पाक चीज़ें और पाक लोग हैं। और लोगों को और अपने बंदों को पाक करने के लिए वो जैसे हदीस आती है अत्तहूरु शतरुल ईमान, के आधा और निसफ ईमान क्या है? वो तहारत है, क्योंकि यही अल्लाह की मोहब्बत और यही ईमान का ज़रिया है। इसीलिए अल्लाह सुभाना ताला ने हमारी जिस्मानी पाकी के लिए हमें पाकी के तरीके, नमाज के लिए हमें वुजू और गुस्ल और तयम्मुम के तरीके सिखाए। तो जब अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक होने के साथ पाक ही चीज़ों को पसंद करता है, तो पहली बात तो ये कि फिर हमें हर किस्म की पाकी का इंतमाम करना चाहिए। अपने जिस्म की पाकी, चाहे वो गुस्ल से है, वुजू से है, तयम्मुम से है, अपने जिस्म की पाकी, अपने लिबास को पाक करना है। किससे? अपने लिबास को बेहयाई से पाक रखना है, फहाशी से पाक रखना है, उरियानी से पाक रखना है, बेहिजाबी से पाक रखना है, तकब्बुर से पाक रखना है, गैर कौमों के साथ सिमिलैरिटी, मर्दों के साथ सिमिलैरिटी, अपने लिबास को तकब्बुर से, दिखावे से, नमूदो नुमाइश से, इसराफ और वेस्टफुलनेस से अपने लिबास को पाक रखना है। अब इस लिबास ही को नहीं, अपनी निगाहों को पाक रखना है, अपनी जबान को पाक रखना है, और सबसे बड़ी चीज़ कौन सी चीज़ को? वो जो एक टुकड़ा ठीक है तो सारा जिसम ठीक है, और वो एक टुकड़ा ख़राब हो तो सारा जिसम ही ख़राब होता है, उस दिल को पाक रखना है। क्योंकि अल्लाह को पाक की चीज़ें पसंद है, तो हमारी निगाहें, हमारी ज़बान, हमारे अखलाक, हमारी बातें, हमारा माहौल, हमारा लिबास, और सबसे बढ़ के हमारा दिल पाक साफ सुथरा होना चाहिए। दिल को किससे पाक रखना है? कीने और बुगज से, हसद से, तकब्बुर और घमंड से, और माल की मोहब्बत और माल के रिलेटेड इशू से, और हराम चीज़ों की ख्वाहिशात और आरज़ुओं से। अच्छा, इसके बाद और किस चीज़ को पाक रखना है? वो जो हमारी एक बहुत महबूब सी चीज़ है, माल को पाक रखना है, अपनी खुराक और अपने रिज़्क़ को पाक रखना है, अपने दस्तरखान पर कोई नापाक चीज़, हराम चीज़ भी और हराम आमदनी से कमाई भी चीज़ नहीं होगी। तो अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ही रिस्क भी पाक रखने की कोशिश करती है। रिस्क के हलाल की अहमियत भी इस हदीस में बताई जा रही। बुनियादी तौर पर यह हदीस जो है वो पाक रिस्क, पाक कमाई और हलाल कमाई की अहमियत को हाईलाइट कर रही है। और अगर मैं आपको वो वाली हदीस बताऊँ जो मैं भी पहले सुना रही हूँ इस हदीस से, कि अल्लाह पाक है
और अल्लाह पाक ही चीज़ को कबूल करता है। हराम माल से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होता। हराम माल में से सदका, सदका वो माल है जो अल्लाह की राह में लिल्ला फिल्ला खर्च करते हैं, तो अगर वो हराम की आमदनी से, वो किसी भी सोर्स से हराम है, हराम माल से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होता। और हलाल माल का सदका कितना कबूल होता है, वही तवील हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपने हलाल माल में से सदका करता है, शर्त क्या है, हलाल माल में से सदका करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसे अपने दाएं हाथ से लेते हैं। अरबों के हाथ जो दाया हाथ है ना, वो इज्जत और प्रोटोकॉल की अलामत है। अल्लाह सुब्हाना ताला टू एक्नॉलेज इट, उसको बहुत इज्जत देने के लिए अल्लाह उसे अपने दाएं हाथ से कबूल करते हैं और फिर उसकी हिफाजत करते हैं और फिर उसकी नशोनुमा करते हैं, यहाँ तक कि वो बढ़ के कितना बड़ा, जैसे तुम में से कोई अपने बछेरे को पालता है, यहाँ तक कि वो बढ़ के बहुत पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। तो रिज़्क हलाल में से और हलाल की आमदनी और कमाई में से जब कोई सदका करता है तो फिर उसका अजर कितना बताया जा रहा है कि एक बहुत पहाड़ जितना। आपको पता है ना कि कम से कम सदकात के लिए 10 गुना अजर है, रमज़ान में 70 गुना अजर है, सूरह बकरा में 700 टाइम्स का भी वादा है और इस हदीस में पहाड़ जितना बड़ा आ जाए। लेकिन ये कौन से माल में से, हराम माल में से दिया हुआ सदका है। पहली हदीस ने भी यही बताया कि हराम माल से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होगा, और इस हदीस ने भी यही बताया कि अल्लाह शाकिर है, कदरदान है, लेकिन किसकी कदरदानी करता है, जब सदका किसी हलाल हार्ड अर्नड मनी से जब सदका दिया जाता है तो अल्लाह उसी हलाल माल से दिए हुए सदके को कबूल करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में शैतान एक बहुत बड़ी थपकी सी दे देता है जिसके हराम के लिए, है ना, जब किसी को बहुत अच्छी सी कोई जॉब, कोई पोस्ट मिल जाती है, कोई सरकारी मुलाजिम को कस्टम का जॉब मिल जाता है और वो CBR में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तो शैतान क्या थपकी देता है और शैतान क्या समझाता है, तेरे पास तो माल कमाने का बड़ा अच्छा मौका है ना, तेरे पास तो माल कमाने का बहुत अच्छा मौका है और अब तो इस वक्त तू खुल के रिश्वतें ले और खुल के माल कमा, हाजा में फजली रब्बी कमा, तू अपने बच्चों की कोठियाँ शोठियाँ बना, सारे बच्चों को सेटल शेटल कर लो, क्या करी, कोई नहीं एंड में तौबा करके तू भी सदका खैरात कर, तू भी कोई मस्जिद बना ले, तू भी कोई हज कर ले, क्या ख्याल, ऐसा कहता है कि नहीं। हराम कमाने वालों के, जिसको कोई पोजीशन या हराम कमाने का मौका ज़िंदगी में मिल रहा होता है, शैतान यही थपकी देता है ना, वो जो बरादरान यूसुफ को भी उसने कहा था कि अब तुम यूसुफ को फेंक दो और बाद में तुम नेक बन जाना, यही शैतान कहता है। ये जो माशरे का माशरा हराम कमा रहा होता है उसको शैतान यही थपकी कान के ऊपर देता है, कोई नहीं अभी तेरे पास बड़े मौके, तो कमा ले, खुल के कमा ले और फिर उसके बाद जब सारा कुछ बन बना जाएगा ना तो कोई नहीं, उसी में से तू हज भी कर लेना। ये वो कौन सा हज है जिसको कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ अब उसके बाद अगर सबीलें लगाएंगे और पानी के वो सारे जरिए बनाएंगे और मस्जिदें बनाएंगे तो हदीस क्या बता रही है, मैं तो कुछ नहीं कह रही, मुझे तो बीच में से निकाल ही दिया करें, हदीस क्या कह रही है, हराम माल से दिया हुआ सदका, रिश्वत की कमाई से दिया हुआ सदका कबूल होगा, नहीं होगा, वो सदका कबूल ही नहीं होगा, तो फिर राजी, अल्लाह को राजी करने और जहन्नम की आग को बुझाने का बंदोबस्त कैसे होगा, जब हदीस ने कह दिया कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है और शैतान ने कह दिया कि ये जहन्नम की आग तुम सदका दे के बुझा देना, तो नहीं बुझेगी क्योंकि वो सदका कबूल ही नहीं होना है, वो सदका कबूल ही नहीं होना। पहली बात पता चल गई, हराम रिज़्क से क्या कबूल नहीं होगा, सदका कबूल नहीं होगा। अब अगली बात पढ़ लीजिए क्या है, बिल्कुल सही है, वो तो कर ही लेने दे, असल में वो जो भला है ना उससे जो नुकसान रिश्वत दे रही होती है ना उससे ज्यादा होता है, वो तो कर ही रहे, वो उनको दे लेने देना चाहिए। अल्लाह ने आगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बताया कि अब जो हराम माल में से दिया हुआ सदका है उसका मामला क्या होगा, कि वो और क्या असर करेगा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक है और पाक की चीज़ को कबूल करता है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों को भी इसी चीज़ का हुक्म दिया है जिसका अपने रसूलों को भी हुक्म दिया है कि ऐ मेरे रसूलों पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, और मोमिनीन के बारे में फरमाया कि ऐ ईमान लाने वालों उस पाकीज़ा रिस्क से खाओ जो हमने तुम्हें दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसे आदमी की मिसाल, आपने एक ऐसे आदमी की मिसाल बयान की जिसने लंबा सफ़र किया,
उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा गुबार आलूद था, और उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और वो कहने लगा, ए रब। हाँ, ये क्या है? कौन कौन सी हालत है? मुसाफिर है और बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा शायद पता नहीं मजलूम और मजबूर और महरूम भी है, है ना? कोई मजलूम है, इसके ऊपर किसी ने जुल्म किया हुआ है, और कुछ नहीं तो महरूम और मजबूर तो ज़रूर ही है। आपको पता है ना कि दुआ की कबूलियत के कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, कब दुआ कबूल होती है? मजलूम की दुआ कबूल होती है, फिर महरूम और मजबूर की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो यहाँ पर दुआ की कबूलियत के कुछ फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। आपने कहा कि इसकी कबूलियत है दुआ के, तो बहुत से फैक्टर्स हैं, और वो हाथ उठा के अल्लाह से दुआ भी कर रहा था, यानी दुआ के आदाब भी ठीक थे। लेकिन आपने फरमाया कि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, और हराम तरीके से उसकी परवरिश हुई है। बस ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह के हाँ क्यों कबूल होगी? ये मुस्लिम की हदीस है। वो या दूसरी चीज़ जो रिस्क हराम के हवाले से जिसका अंजाम पता चल रहा है कि रिस्क हराम दुआओं की कबूलियत में भी रुकावट बन जाता है। यहाँ बहुत से फैक्टर्स हैं जो कबूलियत दुआ का जरिया भी है, लेकिन डिस्पाइट दोस असिस्टिंग फैक्टर्स दुआ रद्द हो रही है, क्योंकि उसका खाना पीना लिबास रिस्क हराम से था। हज़रत साहब बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया था कि मुझे कोई नुस्खा बताएं कि मैं मक़बूल दुआ हो जाऊँ, मेरी दुआएं कबूल होने लगे, तो आपने एक ही मशवरा, दो टॉप क्लियर कट मशवरा दिया था। आपने कहा था, अपना रिस्क हलाल करो। वो यार रिस्क हराम क्लियर कट तसव्वुर है कि रिस्क हराम दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाता है। हराम कमाई करने वाले की दुआ के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते हैं और दोशे लही तक नहीं पहुंचती, और सभी वो दुआ रब मुजीबुन करीबुन रब जो है ना, उस दुआ को रद्द कर देता है जिसका रिस्क हराम है। मुझे बताएं कि दुआ में से एक दुआ बख्शिश की दुआ होती है कि नहीं होती? बख्शिश की दुआ, निजात का इम्कान तो यही है ना कि हम बख्शिश की दुआ मांगेंगे अपने गुनाहों को, तो इसकी तो बख्शिश की दुआ भी कबूल नहीं होनी जिसका रिस्क खराब है, इसकी तो बख्शिश की दुआ भी कबूल नहीं होनी। और इसी तरह एक और फैक्टर सुन लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये आपकी किताब में हदीस है इंशाल्लाह, आप आज खुद आप जाके पढ़िएगा तो फिर आपको ज़्यादा ये हदीसों के हवाले भी पता चल जाएंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस है कि आपने फरमाया कि ऐ साद, अपना रिस्क पाक कर लो, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। और आपने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि बंदा जब एक लुकमा हराम का अपने पेट में डालता है तो अल्लाह 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, एक लुकमा जानते बूझते अपने पेट में जो डालता है उसका अल्लाह कोई अमल ही कबूल नहीं करता। और अल्लाह की कसम, जिसका गोश्त हराम से तैयार हुआ है वो आग ही के मुस्तहिक है। इसी तरह एक और हदीस है, मुस्तद अहमद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा, हाँ 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा, उसमें एक दिरहम हराम का शामिल होगा, जब तक वो कपड़ा पहने रहेगा उसकी नमाज कबूल है, ना सदका कबूल, ना दुआ कबूल, ना बख्शिश की दुआ कबूल, ना नमाज कबूल, और 40 दिन तक कोई नेक अमल कबूल। कहाँ जाएगा ये शख्स? जन्नती है कि जहन्नमी? वो खुलासे में हदीस है। आपने फरमाया वो गोश्त जो हराम रिस्क पर पला है उस पर जन्नत हराम है, और वो गोश्त जो हराम रिस्क पर पला है वो जहन्नम ही के लायक है। तो ये वो अहदीस है। हमारे माशरे में रिस्क हराम इतना ज़्यादा है कि वो क़यामत की अलामत है ना, कि क़यामत से पहले हलाल रिस्क कमाने वाले शायद आटे में नमक के बराबर रह जाए, और लोग कोट करेंगे बजाय इसके कि ये कोट किया जाए कि फलां का रिस्क हराम है और फलां की आमदनी हराम है, ये कोट करने वाली बात है। क़यामत से पहले हाल ही होगा कि लोग कोट किया करेंगे जी फलां का तो रिस्क बड़ा हलाल है, मतलब ये एक अनप्रेसिडेंटेड बात होगी, और ऐसे लोग बड़े अनयूजुअल होंगे कि लोग इनका तस्करा करेंगे। ये क़यामत की जो अलामत है ना, ये आज मौजूद है। और मुझे तो कई दफ़ा लगता है कि शायद पता नहीं
कई लोग तो खैर होते ही बड़े सख्त दिल है ना, उनको सब कुछ ही पता होता है, और सब कुछ पता होने के बाद वो यही कहते हैं अच्छा जब आएगी तो देखी जाएगी, जब आएगी तो देखी जाएगी। लेकिन मुझे तो वही दफा लगता है कि शायद ये जो इतना खुल के हराम कॉमन और आम हो गया शायद इसीलिए कि शायद लोगों को ये बातें पता ही नहीं, शायद कई लोगों को पता चल जाए तो लोग बाज ही आ जाए। कुछ नहीं तो अल्लाह हमें पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर मैं ना एक दो चीज़ें ज़रूर ये बताऊँगी क्योंकि ये सवालात हैं जो बहुत ही ज़बान लोगों के जहनों में उभरते हैं कि ये जो हमने कहा कि वो गोश्त जो हराम पर पलता है वो उस पर जन्नत हराम और वो जहन्नम उस पर उसी के लायक है, तो वो अगर एक मर्द जो है वो हराम कमा रहे तो उसकी बीवी बच्चों का मामला क्या होगा। असल बात यह कि ये जो हराम की वईद दी जा रही है ना, ये बेसिकली उस शख्स के लिए जो खुद कमा रहा है, ये जो सज़ा और जो वईद बताई जा रही है ये खालिसतन उस शख्स के लिए जो खुद अपनी आज़ादी राय के साथ खुद अपनी मर्जी से हराम कमाने को प्रेफर कर रहा है, तो बेसिकली ये वईद और सज़ा उसके लिए। और जी मैं आई एम कमिंग टू दैट। इस पे लोग बताते बहुत दफ़ा ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि जी अगर हमारी ख्वाहिश नहीं है और शोहर हमारे कहने के बावजूद भी हराम कमा रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें। तो ऐसी हालत में फिर मैं उन वीडियो को यही तजवीज़ दिया करती हूँ कि वाक़ईतन अगर तुम नहीं चाह रही हो, अब देखिए कि बहुत दफ़ा शोहर काबू में नहीं भी होते, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शोहर के काबू में बीवी नहीं, बीवी के काबू में वो नहीं होता, वो नहीं मानते, वो वाक़ईतन बेचारी मजबूर होती है। तो ऐसी बीवी हमारे माशरे में जहाँ दूसरे निकाह का भी इम्कान नहीं, बाप और भाई के घर में जा के भी नहीं बैठ सकती, घर तोड़ेगी तो बच्चों को भी महरूम करेगी, ऐसी ख़वातीन को मजबूरी ग्रॉस मजबूरी की हालत में तो अल्लाह खंजीर का लुकमा और लुकमा हराम खाने की इजाज़त देता है, लेकिन कैसे खाता है, फराहत के साथ रंग रलियाँ करके नहीं खाते। अगर अल्लाह फमन इस्तुर्रा गैरा बागी वला आदिल फला इस्मा अलैह कहता है कि लुकमा हराम खा लो जब तुम्हारी जान निकलने वाली है तो खंजीर खा लो, लेकिन खंजीर की थाली फिर कैसे खाने की इजाज़त है, सिर्फ उतनी खाई जाएगी जितनी इजाज़त है, जितनी जितनी के साथ जान बच जाएगी, और फिर उसको जान बूझ के रिपीट नहीं किया जाएगा। तो कोई ऐसी मजबूर बीवी है तो फिर वो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जितनी है ना उसके लिए खर्च करेगी, और कराहत के साथ खर्च करेगी, डिसलाइक के साथ खर्च करेगी, उसके साथ इंजॉय करके कि अच्छा और है तो बस मैं भी लगा रही हूँ और लुटा रही हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जब बीवी घर में शोहर के साथ वैसे रंग रलियाँ हराम आमदनी के साथ करती है तो फिर शोहर भी उस आमदनी को एंजॉय करता है, शोहर भी उस हराम आमदनी को एंजॉय करता है। भाई शोहर का ड्राइंग रूम भी रीडू हो रहा है, शोहर के यहाँ बड़ी बड़ी दावतें भी थ्रो हो रही हैं, उसकी बीवी भी डिज़ाइनर जोड़े पहन के तो लोगों को उसके माल की तशहीर करती भी रही है, तो वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बीवी ये सब कुछ नहीं कर रही तो शायद शोहर को भी वो हराम कमाने का नेट एंड ऑफ द डे उतना मज़ा नहीं आएगा, तो शायद वो रुक जाएगा। तो ऐसी मजबूर बीवी फिर सिर्फ लुकमाए हराम समझ के उसको सिर्फ कराहत से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पूरा करेगी और उसकी रंग लंगलियाँ और उसके साथ अयाशी और इसराफ नहीं करती करेगी। हाँ, और अगर वो बीवी मुतहर्रिक बन रही थी उसकी हराम कमाई में कि उसकी फरमाइशें और उसकी आरजुएँ और तमन्नाओं की लिस्ट उसको ट्रिगर कर रही थी तो फिर तो वो भी उस हराम कमाई के उतनी ही बराबर की वईद की हकदार बन जाएगी। लेकिन ये तो उस मजबूर बीवी के लिए और बच्चों के लिए जो मजबूर है और जो चाह नहीं रहे। दूसरी बात जो मैं हराम आमदनी के हवाले से ज़रूर ही हाईलाइट करूंगी, हमारे माशरे में ये भी लोगों का तसव्वुर, खासतौर पर जो लोग कुरान और हदीस पढ़ लेते हैं उनका एक ये सवाल और एक इशू होता है कि हमें पता है हमारे फलाने बहन के रिश्ते, हमारा फलाना भाई बहन बहनोई उनकी आमदनी हराम है, वो तो है ही राशि, वो तो है ही सब कुछ, तो हमने नहीं उनके घर जाना, हमने उनके घर नहीं जाना क्योंकि जब वो हमें खिलाएंगे तो उनका खाना हमारा होगा, उनका अगर वो हमें हमारा वो नाउज़ बिल्ला ना ही करे अल्लाह हमारे बहन भाइयों में से कोई ऐसा हो, लेकिन वो यही कोट करते हैं कि अगर उसने मुझे जोड़ा दिया और उसने मुझे तोहफा दिया तो मैं हराम उसका जोड़ा पहनूंगी तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। ऐसा नहीं, वो आमदनी किसके लिए हराम है, वो आमदनी उसके लिए हराम है जो कमा रहे हैं, वो आमदनी उसके लिए हराम है जो कमा रहे हैं, वो बाकियों के लिए हराम नहीं है। क्योंकि बाकियों के लिए जब वो चीज़ बदल जाती है तो उसके हुक्म की नौइयत बदल जाती है। अगर हम उसके घर में जाके उसका खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए हराम नहीं होता, वो हमारे लिए उसकी मेहमान नवाजी होती है। ऐसे ही है ना,
वो उसकी मेहमान नवाजी होती है हमारे लिए, और अगर वो हमें वो तोहफा दे रहा होता है तो वो उसका हदिया और गिफ्ट होता है हमारे लिए। तो उसके तोहफे का जोड़ा, उस भाभी या बहन या उस भाई के तोहफे का जोड़ा पहनकर वो जोड़ा हमारे लिए हराम नहीं है। वो हाथ के बदलने की वजह से उस चीज़ की हिल्लत और हुर्मती कैफियत बदल जाती है। मसलन आप देखें कि अगर उन्हीं के घर में जिनका रिस्क हराम है, वो करेंसी हराम नहीं हो जाती है, वो नोट हराम नहीं हो जाते, उसके कमाने का तरीका उस शख्स के लिए उसको हराम बना देता है और उसको सजा का मुस्तहिक बनाता है। अगर उसी के घर में एक सफाई करने वाली सफाई करती है और पूरा महीना झाड़ू फेरती है और फिर एंड ऑफ द मंथ उन्हीं नोटों में से जो मालिक ने रिश्वत से कमाए थे अपनी तनख्वाह लेती है, तो क्या हराम है? नहीं, क्योंकि उसने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाया था। तो हम मेहमान नवाजी करके या हम तोहफा कबूल करते हैं, जैसे हयात तैयबा का वो वाक्या आ गया, मैं आपको सुनाऊं कि नौयत कैसे बदलती है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका क्या था? सदका हराम था, है ना? आप सदका नहीं खाते थे। यहाँ तक एहतियात होती थी कि आप एक दफ़ा सड़क पर जा रहे थे और आपने खजूर पड़ी हुई देखी थी और आपने खजूर को खाया और फिर ख्याल आया कि ये सदके की ना हो, तो आप हलक में वो मिसवाक जो है वो प्लेन रहे थे और आ कर रहे थे कि अगर ये सदके की है तो कहीं ये मेरे जिस्म का हिस्सा ना पड़ जाए। आप इतने एहसास थे। लेकिन एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो हुजरे में जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा की जो लॉन्डी थी बरीरा, उनको किसी ने लॉन्डी समझ के अपने सदके का गोश्त दिया था। यानी सहाबा में से किसी के घर सदके का गोश्त हुआ, उन्होंने बरीरा को लॉन्डी समझ के सदके का गोश्त दे दिया। अब बरीरा ने वो गोश्त की हड्डियाँ चढ़ाई हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने गोश्त पकता हुआ देखा, वो बरीरा के सदके का गोश्त था। आप जब गए, आपने खाना मांगा, आपके सामने सालन सब्जी का रख दिया गया। आपने कहा वो गोश्त क्या हुआ? बोलिया चीज़ पसंद की जा सकती है और अपने पसंद का खाना मांगा भी जा सकता है, ये गलत नहीं है, ये फितरत है। लेकिन अगर अपनी पसंद का ना आए या कोई गलती हो तो फिर खामोश रहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने कहा वो गोश्त क्या हुआ? हज़रत आयशा ने फरमाया वो तो बरीरा का सदका है। आपने फरमाया वो बरीरा के लिए सदका है लेकिन हमारे लिए बरीरा का तोहफा है। समझ आ गई ये बात? ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आज कुरान पढ़ने वाले बस औकात, हमारे माशरे में तो हर चौथा घर हराम रिस्क वाला है, बल्कि शायद हर दूसरा घर हराम रिस्क वाला है, तो इस चीज़ को बुनियाद बना के रहम के रिश्तों को काटा नहीं जाएगा, रहम के रिश्तों को काटा नहीं जाएगा। ये बुनियाद बना के कि हम उनकी मेहमान नवाजी नहीं खाएंगे और हम उनके तोहफे नहीं, मारा उसके मुँह पर भाभी के कपड़ा, उसका रखा बना कपड़ा मैंने के लिए हराम, रिश्ता तो कट गया। अब देखिए कि अगर ऐसे किसी बहन भाई से रिश्ता कट गया तो उस बेचारे की इस्लाह कौन करेगा? तो इसलिए रहम के रिश्तों को काटना इस चीज़ की बुनियाद बनाकर ये तसव्वुर नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ कुरान पढ़ने वालों को ऐसे रिश्ते काटते हुए देख चुकी हूँ। कता रहमी बहरहाल हराम है और वो कबीरा गुनाह है, और इस बेबुनियाद चीज़ की बुनियाद पर रहम के रिश्तों को काटने का जवाब नहीं निकाला जा सकता। अल्लाह सुभान व तआला हमें हिकमत अमली से अपनी ज़िंदगी गुजारने और बहरहाल हर किस्म के हराम से बच के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आपने ये चीज़ें बता दी, साथ हमें रिज़्क हलाल से बचने की दुआ भी सिखा दी। अल्लाहुम्मा अग्फिनी अन हलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाह हमें रिज़्क हलाल की पहचान दे, हमारे घर के मर्दों को पहचान दे, लुकमाए हराम की भी पहचान दे, हराम से बचना आसान करे, हमारी तिजोरियों को, हमारे दस्तरखानों को, हमारे बैंक अकाउंट्स को एक हराम पाई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतुल वहाब।